गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आंगन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन टीचिंग लेक्चर। होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंग्लिश। हिंदी लेक्चर, आप सभी को हिंदी की नोटबुक ओपन करनी है। ओपन योर हिंदी नोटबुक। देखो, फर्स्ट डेट मेंशन किया है मैंने, CW लिखा है, रिवीजन है हमारा, लेक्चर नंबर 8 है। ओके, गिनती 1 से 20 तक है। देखो, मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, आपको भी अपनी नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में नीट एंड क्लीन लिखना है और मात्रा में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, देखो, एक अंकों में और शब्द में, दोनों में हमने लिखा है, जिस तरह हम इंग्लिश मैक्स में लिखते हैं ना, one, इसी तरह हमने हिंदी में लिखा है सब अंकों में। इसे अंकों में कहते हैं और ये शब्द कहते हैं। ओके, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, छ छ, सात सात, आठ आठ, नौ नौ, दस दस, ग्यारह ग्यारह, बारह बारह, बारह बारह, तेरह तेरह, चौदह पंद्रह पंद्रह, सोलह सत्रह, अठारह उन्नीस बीस। ये थी हमारी 1 से लेके 20 तक की गिनती, आपको रिवीजन में मैंने लिखा दिया है। देखो, फिर है आपका परिचय, लिखिए, आपको अपना परिचय लिखना है इस तरह से। देखो, मेरा नाम आप है, ब्लैंक है, तो आपको यहाँ क्या लिखना है, अपना नेम लिखना है। ठीक है, मैं चौथी कक्षा में पढ़ता या पढ़ती हूँ। गर्ल हो तो पढ़ती, बॉय हो तो पढ़ता, ठीक है, लड़का हो तो पढ़ता आएगा और लड़की हो तो पढ़ती, आप लोग को उस पर टिक करना होगा। मैं अहमदाबाद में शहर में रहता हूँ। मेरे पिताजी का नाम ब्लैंक रखा है, वहाँ अपने पिताजी का नाम लिखना है। मेरी माँ का नाम, आपको अपनी माँ का नाम यहाँ लिखना है। मेरे भाई का नाम, आपके भाई का नाम जो हो वो आपको लिखना है। मेरी बहन का नाम, आपकी बहन हो उनका लिखना है। 8 में मैं डैश बनना चाहती हूँ, जो भी हो, जो बनना चाहते हो वो आपको यहाँ लिखना है। अब आप ये मत पूछना कि मेरा भाई नहीं है, मेरी बहन नहीं है, ये आप जो क्वेश्चन पूछते हो वो नहीं, आपका कोई भी मामा चाचा बड़े पापा कोई भी कज़िन हो, किसी का भी नाम यहाँ मेंशन करना है, इसी तरह बहन में भी। ओके, ये है। और होमवर्क में आपको लर्न सेम एज CW, आपको क्या करना है, ये जो मैंने लिखाया है वही आपको क्या करना है, लर्न करना है। ओके, और इसका मैं टेस्ट लूँगी। ओके,